बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/32, इसका फेब मार्च 2018 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा 2020 और 2019 ये सारी अटेम्प्ट्स के पेपर भी मैंने कराए हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, राज एंड जॉन एंटर इनटू ए ज्वाइंट वेंचर टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर भी पार्टनरशिप की ही एक किस्म होती है, सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप। और इसके अंदर ये होता है कि फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि कोई पर्पज़ होता है, उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए नॉर्मली ज्वाइंट वेंचर्स बन रहे होते हैं, और जब वो पर्पज़ अचीव हो जाता है तो फिर ज्वाइंट वेंचर डिसॉल्व हो जाते हैं। ज्वाइंट वेंचर के अंदर 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की। एक तो नॉर्मली हर पार्टनर जो है, जो भी पार्टनर है ज्वाइंट वेंचर के अंदर, या वो क्या करता है, वो अपने अपने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट दूसरी पार्टी के साथ मेंटेन कर रहा होता है, जिसमें वो अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, और एक एक ओवरऑल मेमोरेंडम अकाउंट बनते हैं, जिसे स्टेटमेंट ऑफ आर प्रॉफिट कैलकुलेशन, सम सॉर्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट की तरह का वो होता है, जिसमें इन सब को कंबाइंड करके देखते हैं कि ओवरऑल हमने प्रॉफिट और लॉस कितना कमाया है। वो मेमोरेंडम होता है नॉर्मली ज्वाइंट वेंचर बन रहे होते हैं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, वो नॉर्मली अपने अपने अपनी अपनी जगह और अपनी बुक्स के अंदर दूसरे के साथ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को मेंटेन कर रहे होते हैं। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। और ज्वाइंट वेंचर नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट कितना होता है कि क्रेडिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर के आप जितने रेवेन्यूज जो कुछ आ रहा है वो सब वहाँ पर लिख रिकॉर्ड कर लें, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जितने खर्चे हो रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस जो कुछ है, वो फिर सारा वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। तो दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लाइक ट्रेडिंग अकाउंट को अपने जहन में रखें ज्वाइंट वेंचर बनाते हुए, तो लाइफ सिंपल हो जाएगी आपकी। और बॉट टेक एन एक्टिव रोल इन द बिजनेस विच सेल्स बाइसाइकल्स, के बाइसाइकल्स पे अब बेचते हैं ये, और दे बॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिवली। ईच रिकॉर्ड्स इज ऑन ट्रांजेक्शन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, के एवरीबॉडी इज रिकॉर्डिंग इज ऑन ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विद अदर पार्टनर। देर इज नो ज्वाइंट बैंक अकाउंट, नो ज्वाइंट बैंक अकाउंट इनका कोई नहीं है। During May 2017, the following transactions took place. Raj purchased 12 bicycles for $900 and also paid carriage of $90. 12 bicycles उसने खरीदी $900 की and also paid carriage of $90 और carriage भी $90 का उसने pay किया। Raj paid $160 for repairs to the bicycles. यही bicycles जो उसने खरीदी थी उसको repair कराया, $160 दिए। John paid garage rental ऑफ $100 एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ $70। जॉन ने गैराज का रेंटल दिया $100 का, और एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट उसने $70 की पे करी। राज सोल्ड ऑल बाईसाइकल्स ही परचेज फॉर $1,850, के उसने तमाम बाईसाइकल्स अपनी भेज दी। राज ने जो खरीदी थी 212 बाईसाइकल्स 1850 के अंदर। राज पेड जॉन $500, राज ने जॉन को $500 की पेमेंट करी। And John purchased 4 bicycles for $200 and also paid carriage of $50. कि John ने 4 bicycles खरीदी $200 की, और $50 जो है वो उसका कैरिज उसने दिया। अगर हम राज को देखें तो राज ने 900 की 12 bicycles खरीदी थी, तो 912 डिवाइड करूँ तो 75 की एक पड़ी। यहाँ इसने 4 खरीदी हैं $200 की, तो अच्छा है। जॉन ने स्मार्टली परचेज करी 50 की और 75 की खरीदी उसने। उसके बाद आगे हैं, राज पेड $120 फॉर रेपियर्स टू द बाइसाइकल्स विच जॉन है हेड परचेज। जॉन ने जो खरीदी थी वो राज ने पेमेंट करी उसकी रेपियर की $120 की। जॉन केप्ट 1 बाइसाइकिल फॉर हिज डॉटर, एक उसने अपनी डॉटर के लिए रख ली। दिस बाइसाइकिल वॉज वैल्यूड एट $60 और ये बाइसाइकिल $60 की इसकी वैल्यू थी। द रेस्ट ऑफ द बाइसाइकिल वर सोल्ड बाय राज पर $340, बाकी उसने $340 के अंदर बेच दी। तो ये यहाँ आपने देखा कि $340 के अंदर उसने बेच दी। और अगर हम इसको देखें, राज को यहाँ पर फॉर एग्जांपल, राज ने 900 प्लस 90 प्लस 120, अगर मैं सारे खर्चे मिला लूँ 990 और ये 160 अगर मैं इसको मिलाऊँ, तो 1110 होता है, और इसने -1850 के अंदर ये बेच दिया, 740 का प्रॉफिट इसने करा। और इसके मुकाबले के अंदर अगर हम जॉन को देखें, तो जॉन ने जो प्रॉफिट किया है वो नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं करा, 200 की थी। तो ये प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे बाद के अंदर के इनका क्या हुआ। अभी हम देखते हैं, द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर वर पेड इन फुल,
कि अमाउंट्स ड्यू जो एक पार्टी का दूसरी पार्टी की तरफ था वो इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया। जॉइंट जॉइंट वेंचर वॉज देन डिजॉल्व और फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर डिजॉल्व हो गया। ये मैं आपको बताकर आ रहा हूँ फॉर ए शॉर्ट पीरियड ये पर्पज़ के लिए होता है। और फिर जब वो पर्पस अचीव हो जाते थे बाइसाइकल्स के लिए इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था, बाद में ये क्लोज हो गया। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द वेंचर। ये स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया मेमोरेंडम फॉर्म के अंदर आप स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो वो बना लें। बड़ा सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है आपको, इंटेलिजेंटली बस फिगर्स देख लें। इसे सेल्स आपने इसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बना लें। सेल्स देखें दोनों की प्लस कर लें, एक तो बाइसाइकिल उसकी डॉटर के लिए है वो तो सेल नहीं होगी, कॉस्ट पे दी है, ये $340 की इसने बेची और 1850 की राज ने बेची, तो 1850 और 340 को प्लस कर लें आप उठा के दोनों को, ये आपकी सेल्स हो गई। परचेजेस देखें आपने क्या करी है, परचेजेस के अंदर आप ये कर लें कि एक तो 900 की परचेजेज है आपके पास और जो राज ने खरीदी और जो जॉन ने खरीदी है वो $200 है, और इसमें से $60 परचेजेज माइनस कर दें। 60 इसलिए कि कॉस्ट के ऊपर आपने डॉटर के लिए जो जॉन ने रखी है, तो ये आप दोनों प्लस कर लें, 900 और 200 प्लस करें और उसमें से 60 माइनस कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। रेपियर के कितने पैसे दिए, रेपियर के देखें दो लोगों ने बल्कि राज ने दिए थे, एक तो रेपियर के राज ने $100 बल्कि ये राज ने 160 ये दिए। देखें रेपियर के सारे खर्चे हम प्लस करके यहाँ लेकर आ रहे हैं, 160 और फिर जो जॉन ने खरीदी थी उसके भी 120 राज ने ही पे करे, तो 160 प्लस 120 यहाँ लिख दें, ये 160 120 आपको नज़र आ रहा होगा। कैरिश जो है वो दोनों का दिया था, पहले राज ने दिया था $90 का और फिर जॉन ने दिया है 50 का, ये देख रहे हैं कैरिश जो दिया हुआ है इन दोनों को प्लस कर लें 90 और 50 को। रेंटल जो है वो जॉन ने पे करा था $100 का, आप ऊपर देख कर आ रहे थे, और उसमें एडवर्टाइजिंग के $70 पे करे थे, इन दोनों को भी लिख लें यहाँ पे। तो ये टोटल खर्चे हो गए सिंपल अपेरेंटली जैसे आप लिख रहे होते हैं, स्टेटमेंट है बड़ा सिंपल फॉर्म का कि सेल्स कितनी हुई है और खर्चे कितने हुए हैं, परचेजेस ये सब माइनस करा आपने सेल्स में से, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 560। और 560 का मकसद है कि ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं, तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 560 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 280, तो हर आदमी के हिस्से के अंदर प्रॉफिट कितना आया, $280 का प्रॉफिट आया, ये ध्यान में रखिएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन करके आपने ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया और उन दोनों में आपने बांट दिया। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में जॉन इन राज बुक ऑफ अकाउंट्स के राज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ज्वाइंट वेंचर जॉन का बना लें, तो राज का बना लेते हैं राज की बुक्स के अंदर, राजेस बुक्स ज्वाइंट वेंचर विद जॉन अकाउंट। अब इसका बड़ा सिंपल है कि राज ने जो कुछ मैंने बताया, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने का तरीका ये है कि ये इसकी क्रेडिट साइड है और ये इसकी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड के ऊपर जितने रेवेन्यूज जो कुछ आपको रिसीव हो रहा है वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखें, डेबिट साइड पे जितने एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं सब एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दें, प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड कर दें, और जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं आपके पास से जो कुछ जा रहा है वो फिर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ जाएगा। तो अगर जॉन की बात करें तो जॉन ने देखें परचेजेस $900 की दी थी, ये एक्सपेंडिचर हो गया, रेपियर्स के उसने $280 पे करे, तो रेपियर्स के 280 आपके समझ आ रहा है ना, क्योंकि रेपियर्स के तो इसी ने पे करे थे, 160 120 राज ने पे करे हैं, जॉन ने खरीदी थी बाईसाइकिल्स लेकिन उसकी रेपियर राज ने की थी। राज ने जो खर्चे करें उनको रिकॉर्ड कीजिएगा, कैरिज राज ने कैरिज $90 का पे करा, शेयर ऑफ प्रॉफिट राज का कितना है अभी हम ऊपर निकाल कर आ रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका $80 का, इसका जो है वो 280 का इसका शेयर है वो यहाँ पर लिख दें उठा के, और कैश टू जॉन इसने 500 जो है जॉन को पे करा ये भी लिख दें उठा के, ये देखें जॉन को इसने पे करा है 500 ये पे कर दें। उसके बाद में रेवेन्यू क्रेडिट साइड पर आए तो एक ही चीज़ है आपके पास जो उसने सेल्स करी है, क्योंकि जॉन ने जो बाईसाइकिल्स खरीदी थी वो भी इसी ने बेची हैं, तो इसके पास ये पैसा है, ये क्रेडिट साइड के ऊपर आप ये लिख दें उठा के, और क्रेडिट साइड के ऊपर लिखने के बाद में जब आप ये सब कुछ करने के बाद में शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख दीजिएगा, लॉस होता तो उसको फिर क्रेडिट साइड के ऊपर लिखिएगा, याद रखें प्रॉफिट है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपके पास डेबिट साइड पर आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो फिर इसको क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते हैं। अच्छा अब आप ये देखें इस लेजर का जब टोटल करेंगे तो कैश कितना बचा आपके पास, $140 का कैश बच रहा है जो आप पेमेंट करें, जो डिफरेंस अब जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस नहीं लिखिएगा हमेशा, ये कैश इन सेटलमेंट टू जॉन, ये एक्चुअली हम पेमेंट करते हैं कैश की जॉन को,
तो ये सिंपल ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आपका बन गया, और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनने के बाद में मैं आपको समझाता भी हूँ अभी, उसके बाद आ जाएं जॉन्स बुक्स के ऊपर आ जाएं, ज्वाइंट वेंचर विद राज अकाउंट, राज अकाउंट के साथ कर लें। अब यहाँ जॉन के खर्चे, क्योंकि देखें जॉन के पास तो रेवेन्यू तो आया नहीं है, जॉन के पास जो पेमेंट आई है एक तो 140 जो यहाँ ऊपर जो फिगर आ रही थी बैलेंसिंग फिगर, वो फिर राज के पास से इसके पास आ रही है, बाईसाइकिल्स इसने ली है, ये इसके पास आ रहा है एक तरीके से, क्योंकि जो बाईसाइकिल इसने रोकी थी अपने डॉटर के लिए वो फिर क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा, क्योंकि इसको सम सॉर्ट ऑफ मिल रही हैं चीज़ें, रेवेन्यू सॉर्ट की चीज़ें समझ लें, या जो इसको मिल रहा है, और कैश फ्रॉम राज, राज से इसको $500 मिले। तो ये तीनों आप देख रहे हैं, इसने जो इसको रिसीव हुआ वो ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट साइड के ऊपर लिख दें, और ये पेमेंट जो कर रहा है वो फिर डेबिट साइड पर, रेंटल इसने पे करा था $100 का, एडवर्टाइजिंग इसने पे की थी $70 की, परचेजेस के $200 इसने पे करे थे, और कैरिज इसने पे किया था $50 का, याद है आपको, और शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका कितना था $280 हम निकाल कर आ रहे हैं, वो मैंने कहा था ज्वाइंट वेंचर की डेबिट साइड पर लिख दें, और देखें दोनों साइड आपकी टोटल हो गई, देख रहे हैं। अब देखें आप यहां हम समझते हैं उठा के कि हुआ क्या है। देखें अगर हम डेबिट साइड के ऊपर इसको देखें तो डेबिट साइड के ऊपर जॉन के $700 आते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स तो इसको मिलेगा डेफिनेटली $280 का, $700 $700 में से अगर मैं इसको बाइफरकेट करना शुरू करूं तो देखें $700 में ये इसके पास टोटल इसके खर्चे थे, खर्चे और इसका प्रॉफिट का शेयर ज्वाइंट वेंचर में, इसमें से 500 तो इसको पहले दे दिए थे राज ने, वो आप माइनस थे, ये हो गया 200। इसमें $60 की इसने बाईसाइकिल जो थी वो अपनी डॉटर के लिए रख ली थी, तो कितना बचा इसका 140 जो एक्चुअली इसको मिलना चाहिए था। और देखें हम अगर राज की किताबों में आए तो बैलेंसिंग फिगर एग्जैक्टली देखें $140 आई, और अगर आप लॉजिकली मैं आपको जो समझा के आ रहा हूँ इसके हिसाब से इसको मिलना भी कितना चाहिए था $140 मिलना चाहिए था। तो दैट्स द पॉइंट, आपने देखा कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना आसान होता है, सिंपल, जितने जो चीज़ें मिल रही हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं वो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, जितने एक्सपेंडिचर और शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर है तो वो डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली कैश की पेमेंट हो रही होती है। अब अगर मैं यहाँ पर, इसने कहा नहीं है लेकिन अगर हम यहाँ पर कैश का अकाउंट बनाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कैश का मैं अगर अकाउंट बनाऊं तो देखें अब क्या बनेगा, कैश देखें यहाँ डेबिट क्रेडिट करते चले जाएं बस, ये हो रहा है, ये देखें यहाँ तो पेमेंट हो रही है 900, ये पेमेंट हुई और $90 की ये पेमेंट, ये हो गई पेड राज की बुक के बुक्स के अंदर बनाते हैं जो राज पे कर रहा है, तो राज की $160 इसने ये पे कर दिया रेपियर का, जॉन को हटा देते हैं, राज के पास देखते हैं कैश कितना बचा, तो राज सोल्ड ऑल बाईसाइकिल्स फॉर परचेज 1850 1850 डेबिट साइड पर लिख दें, क्योंकि राज को ये मिली है, ये हुई, और राज ने $500 जॉन को पे कर दिए, इसको भी क्रेडिट साइड के ऊपर लिखने ले जाके, जॉन परचेज जॉन को हटा दें, राज ने $120 की एक पेमेंट ये करी, देख रहे हैं राज पेड 120 फॉर रेपियर, तो ये राज के पास से सारी पेमेंट आ गई, द रेस्ट ऑफ द बाईसाइकिल वर सोल्ड, और एक एक इसने और $340 की ये भी इसने राज ने बेची है, तो ये इसके पास कैश आ गया। हमारे पास अगर हम ये राज के अकाउंट की मूवमेंट देखें तो 1850 प्लस 340 ये राज के पास कैश आया था 2190, इसमें से पेमेंट कितनी हो गई है 900 एक हुई है, 90 एक हुई है, 160 एक हुई है, 500 एक हुई है, 120 एक हुई है, 1770 ये हुई 1770, और डिफरेंस कितना बचा 2190, तो 420 बाकी बचा 2190 420। अब देखिए ये 420 दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाएगा, देख रहे हैं ये बैलेंसिंग फिगर है 420 की, ये जो बैलेंसिंग फिगर 420 की है इसको 280 इसका अपना प्रॉफिट है जो इसको मिलेगा, और $140। अब इसमें से अगर मैं 420 में से 280 जो इसका प्रॉफिट है वो माइनस कर दूं, क्योंकि कैश तो यही बचा है बैलेंसिंग फिगर, 420 में से मैंने 280 को माइनस कर दिया जो इसका अपना प्रॉफिट था, तो देखें एग्जैक्टली $140 की आई, और $140 ये वही है जो इसने जॉन को पेमेंट करी है,
आपने देखा कि जब कैश अकाउंट आप बना रहे हैं, ये इसको इसका शेयर मिल गया, जो इसका प्रॉफिट मिला है ज्वाइंट वेंचर से, और बाकी जो रकम है वो इसने जॉन को पे कर दिया। तो दैट्स द पॉइंट, इसने मांगा नहीं था। लेकिन अगर आप कैश का अकाउंट मांग भी ले आपसे या बैंक का अकाउंट मांगे, तो वो एग्जैक्टली बैलेंस होना चाहिए इस तरीके से। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्या कहता है ये। John is interested in working with Raj again, but is proposing that they form a partnership. वो कहता है एक फॉर्मल पार्टनरशिप बना लें आप। मैंने बताया था ये पार्टनरशिप की ये सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप होती है, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, कि फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता। और अब ये कहता है फॉर्मल करें, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। राज इज अनश्योर वेदर ही शुड टेक दिस एक्शन, कि उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एडवाइज राज वेदर और नॉट ही शुड एंटर इन टू ए पार्टनरशिप विद जॉन। जस्टिफाई योर एडवाइस एंड सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन वेयर अप्रोप्रिएट। के यू यू हैव टू एडवाइस, यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द कैलकुलेशन और सपोर्टिंग एविडेंसेज, बिकॉज यू आर गोइंग टू एडवाइस राज वेदर ही शुड बी एंटरिंग इन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप विद जॉन और नॉट। सो दैट्स वेरी सिंपल। हम इन दोनों को अगर उठा के देखें, ज्वाइंट वेंचर 1%, सी में तो उसने क्या मांगा था आपसे, इज दैट वन बेनिफिट टू बोथ राज एंड जॉन ऑफ सेटिंग अप ए ज्वाइंट वेंचर। क्या एडवांटेज है इन ए ज्वाइंट वेंचर, 1% में हैव द स्किल्स एंड अनदर द कॉन्टैक्ट्स। ज्वाइंट वेंचर में नॉर्मली ये होता है, एक के पास स्किल होती है, एक के पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इन दिस इंस्टांसिस राज हैज द सेलिंग कॉन्टैक्ट्स, के उसके पास सेलिंग कॉन्टैक्ट्स है, जैसे हम देख रहे हैं कि वो बाईसाइकिल्स बेचता वही है, एंड कैश रेपियर्स एंड कैन रेपियर बाईसाइकिल्स, बाईसाइकिल्स को रेपियर करा सकता है। वेयर एज जॉन इज एबल टू पे द ओवरहेड, जॉन जो है वो ओवरहेड पे कर रहा है। नॉर्मली ज्वाइंट वेंचर का जो एडवांटेज है, एडवांटेज उन दोनों को बताए बहुत, राज एंड जॉन। तो राज का तो एडवांटेज ये है, जॉन का एडवांटेज ये है कि राज की सेलिंग स्किल्स हैं, रेपियर भी वही करा रहा है, और जॉन का एडवांटेज ये है कि वो ओवरहेड जितने हो रहे हैं उसको पे करता है। तो ये एडवांटेज है इन दोनों को एक दूसरे से। और बाकी आगे आते हैं, राज अपीयर्स टू बी डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क रिपेयरिंग एंड सेलिंग द बाईसाइकिल्स। जैसे हम देख के आ रहे हैं कि राज की सेलिंग भी कर रहा है और रिपेयर भी कर रहा है बाईसाइकिल्स की। द बाईसाइकिल्स परचेज बाई जॉन वर नॉट एज प्रॉफिटेबल एज द वंस ही परचेज। जैसे मैं अभी वहाँ भी मैं शुरू करवा रहा था, तो मैंने कहा था कि हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं कि नॉर्मली राज लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल तरीके से अपनी बाईसाइकिल्स को बेच रहा है एज कम्पेयर टू जॉन। राज परचेज बाईसाइकिल्स फॉर $990 प्लस रेपियर ऑफ 160। वो 900 की इसने खरीदी थी 12 बाईसाइकिल्स, उस पर इसने $90 का कैरिज दिया था और रेपियर 160 से कराई थी। इन सबको प्लस करें तो 1150 आता है, बट सोल्ड फॉर 1850, लेकिन इसने 1850 के अंदर बेची उसको। तो 1850 और 1850 में से इस 1150 को माइनस कर दें तो 700 आता है, और 12 बाईसाइकिल्स थी, 700 को 12 से डिवाइड करें तो 58.33 हर बाईसाइकिल के ऊपर इसने प्रॉफिट कमाई। बड़ा सिंपल है, 900 के खरीदी थी, 90 को प्लस कर दें कैरेज को, और 160 की रिपेयर्स हैं, इन सबको प्लस करें 1150 आता है, $1,850 की बेची थी। 1850 में से 1150 को माइनस करें, जो प्रॉफिट आया उसको 12 से डिवाइड कर दें, हर बाईसाइकिल का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। वेयर इज द बाईसाइकिल जॉन परचेस्ड ओनली मेड ए प्रॉफिट ऑफ $30। वो कैसे, इसने $200 की इसने खरीदी थी, उस पर $50 का कैरिज दिया, तो देखें ये 250 आ गया, और 120 रेपियर। अल्दो राज में पेमेंट करी, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेट कर लें कि 120 रेपियर का खर्चा हुआ, तो टोटल मिला के $370 खर्च हुए इसके ऊपर। और इसने बेची कितनी है, 400 की बेची है, तो 370 को आप डिवाइड कर दें 4 से, तो ये बनता है फिर जाके $7.5 ईच। यानी आपने 370 जो खर्चा हुआ और $400 में आपने बेची हैं, तो $400 सोल्ड फॉर $400। अब देखिए $400 में इसलिए आया है, याद रखिएगा कि एक तो इसने $60 की अपनी अपनी डॉटर के लिए रख ली थी और 340 में बेची है, तो एक्चुअली अगर आप देखें तो 360 400 के अंदर ही बिकी। इन दोनों को प्लस कर लें तो ये 400 आएगा, इसलिए ये 400 की अमाउंट दी हुई है। तो 400 माइनस 370 $30 का इसने प्रॉफिट बनाया 4 बाईसाइकिल्स पे $7.50 ईच, जबकि राज जो है 58.33 आता है।
तो इट मे बी मोर बेनिफिशियल फॉर राज टू वर्क ऑन इज ओन रादर देन एंटर इन टू अ पार्टनरशिप विद जॉन। और ये कैलकुलेशन बताती है कि जॉन अगर ये खर्चे अफोर्ड कर सकता है, पैसे इसके पास हैं, तो इसको खुद सिंगल अकेले काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्किल्स भी हैं और प्रॉफिटेबल तरीके से भी बेच रहा है जॉन से, जॉन के मुकाबले में। तो दैट्स ऑल जॉइंट वेंचर अकाउंट आपने देखा, आई थिंक ये खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ आपने हमारा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बड़ा सिंपल होता है, इसमें ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई अगर ये आपकी समझ में आ रही है तो ज़िंदगी आसान है। तो लेट्स कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। ईद की छुट्टियाँ भी हैं, हॉलीडेज भी हैं और सब कुछ हो रहा है, तो लेट्स सी आई ट्राई कि जब तक आपके एग्जाम्स हैं और अच्छे टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस में बना सकूँ, ताकि आपके एग्जाम्स के अंदर आपको फैसिलिटेट करें, एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।